और मेन बात है स्वभाव की जी, जोटी गैबन है ब्याही भी हाथ नहीं लगाने देती भाई। जी 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 बिल्कुल सही बात। और अभी तो खुलना शुरू हुआ है। करें मोल भाव की क्या संदीप भाई, लेना देना 72,000 रुपए। 72,000 रुपए में दो दांत फर्स्ट टाइमर जो झोटी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। संदीप भाई देना इसने है। बिल्कुल, कैरेक्टर इसके अच्छे हैं सारे। सही सही बात है सर। सिंग थर्ड पोजीशन और एक स्वभाव। हाँ हाँ हाँ, खुली छोड़ दो जी, कहीं से कहीं कोई छेड़ लो, कोई मतलब नहीं। बहुत बढ़िया। कुछ भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि पहले ब्याह की नहीं है, दूध कम मिलता है, सज्जन भाई के ऐसा यहाँ ऐसा है वैसा है। भाई जी क्या है, दूध और पूतक कर्म का रही बात पहले ब्याह के, संदीप ओपनली बोलते हैं इनमें सिर्फ अपना मुकद्दर चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है नहीं कि 20 बताओ और 5 दियो। और रही बात कमेंट की, भगवान नहीं है दुनिया खुश नहीं कर सकते भाई। जी जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आप कितना ही अच्छा करके दे लो, अभी कहना नहीं चाहता किसी के बारे में भी, लास्ट 6 पशु दिए थे, एक को दो दिए थे संदीप, 4 दिन की मेहनत में 2 पशु दिलाए हैं। जो एक ईमानदारी की मजदूरी होती है ना, वो भी नहीं मिली है। अच्छा, किसको कहेंगे, पर कहना छोड़ रखा है। जी जी, जिसको समझ में आएगी वो लेगा, जिसको अच्छी लगेगी वो लेगा। अब आज तक नहीं बोला था पर आज कहते अपने खुट्टे के जिम्मेवार। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ देखो 4 बार देखो। तो मैं हूं संदीप और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। तो जिला रोहतक से आज आपको एक ही वीडियो में काफी शानदार जो पशुधन है वो दिखाने वाले हैं। बूरी मिनी फर्स्ट टाइमर, दो दांत दो ताजा ब्याई हुई झोटियां हैं वो लेकर के आए हैं। और आजकल मुर्रा के नाम पे जबरदस्त जो परचम है लहरा रहे हैं सज्जन आंगी भाई, आप यहाँ पे देखें, गांव भाई का पड़ता है मदीना। कम से कम कीमत की शानदार जो झोटियां हैं वो लेकर के आते हैं। एक दो कमेंट्स भी भाइयों के आ रखे थे, वो बातें भी भाइयों भाई से कंफर्म करेंगे। और सिलेक्शन आज भी इनका देख लीजिए, एक नंबर पे जो बूरी बफलो देख सकते हैं, जबरदस्त हाइट, जबरदस्त जो कद काठी है उसमें आप यहाँ पे देखें, काफ़ी काफ़ी बेहतरीन वीडियो होने वाली है। काफ़ी स्पेशल जो पशुधन है आज का आपको दिखाएंगे। सीधा लेकर के चलते हैं सज्जन सर के पास, जानेंगे डिटेल्स। नमस्कार सज्जन सर। नमस्ते भाई संदीप, ठीक हो? बहुत बढ़िया जी, आप बताओ कैसे हो? ऊपर वाले तो आज तो भैंस की हाइट इतनी, आपका चेहरा पीछे छुपी रहा है, भैंस ज्यादा दिख रही है। संदीप भाई अच्छी है भैंस भी। जी जी, तीसरा ब्याह में है, ठीक है, और 17.5 किलो दूसरे ब्याह का रहा है। पिछली बार जो मैंने वीडियो सर शूट करी थी उसमें से कितना पशुधन बचा अपने पास? एक रखी है भाई, बाकी सब सेल आउट। सेल आउट सब सेल है, ये भी मतलब दे ही दी थी पर ये सोच के रोक रखी है। अच्छा ठीक है, तो अभी आज कितनी भैंसे, किस तरह का पशुधन दिखा भाई? 5 फर्स्ट टाइमर है जी, एक बूरी एक मीनी है भाई। बहुत बढ़िया, और एक दूसरे ब्याह की, दूसरे ब्याह की झोटी है। ठीक है, तो बूरी से ही शुरुआत हम देखते हैं। हमारे पशु की उम्र ज्यादा होगी है लेकिन वो समय पर नया नहीं हो रहा, बार बार फिर रहा है, तो आप ऐसे पशु को सुबह शाम न्यूट्री डाइट जरूर खिलाएं, आपका पशु समय पर नया दूध भी होगा और बार बार नहीं फिरेगा। आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन से न्यूट्री डाइट, और यह हरेक मेडिकल स्टोर पर भी। डिटेल्स हैं सर एक बार बता दीजिए। संदीप भाई तीसरी बार बच्चा दे। बहुत बढ़िया जी, और अभी लगभग 26-27 दिन पेंडिंग है। 26-27 दिन पेंडिंग, मालिक ने महीना बताया था, 5-4 दिन ऊपर भी लेती है। ठीक है ठीक है, 5-7 दिन अपने आए भी हो गए। जी जी, और ये मान के चलो 17.5 किलो दूध उन्होंने बताया है। जेवरा के पास कोई गांव है, जेवरा ये कहाँ पे पड़ता है? हिसार साइड। हिसार साइड, ठीक है, वहाँ से ये चली है। अच्छा ठीक है, एक बार घुमाए। तो थर्ड लैक्टेशन में जो बूरी बफलो, बूरी भैंस है आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफी शानदार जो कदकाठी है उसमें मैं कहूंगा, हाइट आप देखिए, जो पीठ है, बॉडी वेट है, अडर की जो क्वालिटी है वो आप देखिए, काफी काफी बेहतरीन जो पशुधन, काफी शानदार जो भैंस है वो। और 17 किलो दूध की जो रिपोर्ट है दूसरे ब्यांत में इसकी रही है, अब की बार थर्ड लैक्टेशन में काविंग करेगी। तो जबरदस्त जो बफलो है, जबरदस्त जो भैंस है वो आप देखें यहाँ पे, काफी काफी शानदार। किससे गैबिन करा रखा है सीजन सर इसको? कंफर्म नहीं है भाई जी, कंफर्म नहीं, इतना कंफर्म है कि हुई है ये बूरे से ही। ठीक है, तो एक बार लंबा लेकर के जाएं प्लीज, क्योंकि इसके पिछले ब्याज का कटड़ा भी है। जी जी, वो भी बूरा है, और जो इससे पिछले से पिछली कटड़ी थी वो कटड़ी भी बूरी है। ये देखो जी, जबरदस्त कदकाठी, जबरदस्त जो बॉडी वेट है, पीठ की क्वालिटी है, खड़ा होने का तौर तरीका, जो रोब है
वो इस बुरी बफलो में देखें, एक बार फिर से घुमा करके दिखाएं। संदीप बाइक कद का ठीक हो देखे, रोडर को देखे ना जी, 22 किलो 23 किलो, कोई मुंह नहीं दुखता, ठीक है सर। पर देना इसने जो मालिक ने बताया वही रिकमेंड करे, और एक अपना जो अंदाजा लगाना वही हमने लगाया। बिल्कुल बिल्कुल, इतना तो देगी बस। तो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो अब की बार तीसरे में? अब की बार ये है किलो दो किलो तो उठाना चाहिए, किलो दो किलो दूध बढ़ाना चाहिए। तो ये देखो जी, जबरदस्त हाइट, जबरदस्त जो कदकाठी है वो, जबरदस्त जो पीठ की क्वालिटी, बॉडी वेट है इस बुरी बफलो का, बुरी भैंस का, आप यहाँ पे देखें। और सज्जन दांगी एक नाम बिकता है, एक नया जो जबरदस्त जो फेम है भाई का आज के दिन, जबरदस्त फैन फॉलोइंग मैं कहूँगा, क्योंकि चाहे कम कीमत की बात आए या फिर जो जबरदस्त जो भैंसे हैं उनको लेने की बात आए, सिलेक्शन आजकल जबरदस्त इस डेयरी फार्म से आपको देखने को मिलेगा। ये पशुधन आप देखो संदीप भाई, जिस दिन पीक पे आएगी ना, ये मान के चलो इसमें जगह इतनी है जी कि आदमी पीछे बैठ जाए, तो नजदीक से हार्डर की क्वालिटी भी इतना ही अच्छा, लूज स्किन है आप देख सकते हैं, जब अपने पीक टाइम पे आएगी तो भरा पूरा जो लेवा है वो इसमें कहीं ना कहीं मैं कहूंगा देखने को मिलेगा। बात करें सर इसके मूल भाव की, क्या कुछ कीमत संदीप भाई? वैसे तो देखो ना, तो कभी मैंने मौके का किया, ठीक है, और उम्मीद रहेगी ना ही करेंगे जी, पर इसका ये है देखो, अगर आज बैठी है तो आज बोल करते भाई, अभी इसका एक महीना पड़ा है, अच्छा चराने का, ठीक है, आज की डेट का रेट कर देते 1,35,000 रुपए, 1,35,000, ठीक है। सबसे बड़ी बात पता क्या है? और शराफत आप देख लीजिए, भैंस का अंदाजा खुद लगाना पड़ता है जी जी जी। अब इसको कोथड़ा बोल देते हैं, आर्डर भी बोल देते हैं, अब ये खाली है बिल्कुल, लेकिन शराफत आज भी इतनी, अब भी कोई धार मारेगा नहीं, पैर नहीं उठाएगा। सही सही बात है जी। तो ये देख लीजिए 1,35,000 रुपए जो कीमत है, जो कोस्ट है वो रखी है। अगला पशुधन पे आएंगे सर, बता दीजिए। संदीप भाई अपनी लास्ट वीडियो में भी आई थी, पिछले वीडियो में, अच्छा यही झोटी बची हुई है? हाँ, ये बस बात हो गई थी, पर कुछ मालिक ने ऐसा बोल दिया कि बोला ब्याज पे आए ना जब देखना, ठीक है, क्योंकि उससे मेरी उधार में बात रखी एक महीने की, अच्छा, और उसी उम्मीद पे उसने मुझे दी थी कि अगर माँ की तरज पे आई तो झोटी कहीं ना कहीं अपने आप में नाम करेगी, ठीक है, और उसी के चक्कर में रख रखे भाई, नहीं तो डेली 500 खिला के संदीप क्या बचना? तो दांतों में दो है, दो ही है संदीप। कितना समय बचता है सर इसका? अभी भी इसके मान के चलो 16-17 दिन तो नॉर्मल, 16-17 दिन नॉर्मली। और बनावट देखो झोटी की आज, ठीक है, तो खोले एक बार घुमा करके, और आज है, और सब आओ अंडर क्वालिटी देख लीजिए जी। दो दांत फर्स्ट टाइमर जो झोटी है उसमें शानदार जो टिट स्पेसिंग है वो आप सब पशुपालक भाइयों को यहाँ पे संदीप ये मान के चलो देखने बहुत को मिल रही है, शानदार जो थन है, पोजीशन है वो आप देखिए, काफी काफी बेहतरीन। तो सज्जन सर एक बार खोल करके घुमा के चला के दिखा दीजिए। और कई बार फोन करके पूछते हैं भाई कि थनों को हाथ कैसे लगा, उसको प्यार प्रेम चाहिए भाई, बिल्कुल बिल्कुल, पास आती है टाइम दोगे लगवा लेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये देखो दो दांत फर्स्ट टाइमर झोटी, 15-16 दिन का करीबन जो समय है वो बचता है इसमें। हाइट आप देख लीजिए, पीठ क्वालिटी, बॉडी वेट की मैं बात करूं, नीचे से जो ऑर्डर है, ऑर्डर आप यहां पे देखें, काफ़ी काफ़ी बेहतरीन जो ऑर्डर है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा, और काफ़ी अच्छी झोटी, दो दांत। तो किससे गैबिन करा रखे है सर इसको? फिलहाल संदीप भाई कोई कंफर्मेशन अभी नहीं है। तो झोटी आप देखें, सिर्फ इसकी मदर मिल्क की तरज पे और इसकी मालिक की जुपान पे झोटी ली थी संदीप, लास्ट तक ले जाएं प्लीज। और जिस दिन ली थी उस दिन भी यही सोच के ली थी, हाँ, कि क्या पता क्या बने बिक जाए, पर अब कोशिश करेंगे बच्चा देने के बाद ही सेल हुई। ये देखो जी फर्स्ट टाइमर झोटी है, और काफी अच्छी पीठ क्वालिटी, बॉडी वेट आप देखें, 15-16 दिन के करीबन जो समय है वो इसका बचता है। और यहाँ पे आप देखें, सीधा ले, इधर ले आओ मेरे साइड, ये देखिए क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो सज्जन सर दूध की? कम से कम रहेगी तो संदीप 15 तक झोटी देगी भाई, 15 किलो तक जो दूध है उसकी खरी खरी। 12 की हिमान के लिए रखी है, ठीक है, पर जो मालिक बार बार आके देखता है बताता है, तो उस उम्मीद पे ये है कि हाँ 15 तक जाएगी, 15 किलो तक जानी चाहिए संदीप भाई, देना इसने है, बट कैरेक्टर इसके अच्छे हैं सारे, सही सही बात है सर, सींग थन पोजीशन और एक स्वभाव, हाँ हाँ हाँ, खुली छोड़ दो जी, कहीं से कहीं कोई छेड़ लो कोई मतलब नहीं, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। तो ये देखो बात करें सर कीमत मोल भाव क्या कुछ रखो संदीप भाई? कीमत मैंने उस वीडियो में उस दिन का रेट बता दिया था 1,00,000 रुपए, हाँ, और कीमत अब ये है कि घर से खा रही है, ये तो है नहीं भाई, ग्यापन का भी वही रेट है, हाँ, बहने के बाद भी वही रेट होगा, ठीक है, क्या पता है 100 के 60 कर दे और 60 के 100 कर दे, वो अपना मुकद्दर है, पर झोटी की कीमत संदीप अभी करने में फायदा नहीं है क्योंकि अभी टाइम बचा है, ठीक है, फिर भी कोई आज की डेट में खरीद देगा तो मेरे ख्याल से 7-8 दिन हो गए वीडियो बनवाए, 500+ खर्चा डेली आता है भाई, ठीक है, आज का देने वाला है 1,05,000 रुपए की झोटी सेल करेंगे आज की डेट की है भाई, 1,05,000 रुपए कीमत झोटी को सेल करने की मैं कहूंगा। यहाँ पे आप झोटी देखें तो दे भाई काफी जबरदस्त, और नीचे से ऑर्डर वगैरह एक बार फिर से दिखा देते हैं, पीछे से जो ऑर्डर की पोजीशन आई है
संदीप यहाँ तक आएगा ऑर्डर और मैं बात है सब भाव की जी जो टी गैप बन है ब्याह भी हाथ नहीं लगाने देती भाई। जी 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 बिल्कुल सही बात। और अभी तो खुलना शुरू हुआ है जब तक जोटी अपने पीक पे चले। ये देखो जी दो दांत में शराफत आप देख लीजिए काफी बेहतरीन थनों का गैप इन का इतना अगले वाले का तो एक बलात्कार है इसमें काफी काफी बेहतरीन। ठीक है सचिन सर अगले पशुधन पे आएंगे बता दीजिए क्या कुछ डिटेल्स हैं। संदीप भाई ये भिंडी कह लो मिनी कह लो सिंगल थे नहीं भाई। जी जी मेरे को बताया तीसरा चौथा मान के ले भाई। ठीक है जी ये बच्चा है कल का बच्चा दिया हुआ है ठीक है खीस से पूरी तरह खाली है कोई सिंगल दार थनों में नहीं मिलेगी भाई। तो सींग दोनों नहीं हिलते भाई हिलते नहीं है। हाँ। ठीक है दोनों ही तो जैसी भी जानकारी जो भी डिटेल्स है सींग दोनों हिलते नहीं है। थर्ड लैक्टेशन में मान करके लेकर के आए हैं पशुपालक भाई आप फोर्थ लैक्टेशन में कह रहे हैं इजीली इसको आप मान सकते हो पर ब्रीडिंग कहते हैं भाई ब्रीडिंग वाले। जी 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 चौड़ाई बैच तो, में मिनी आप देख लो कल ही बच्चे को जन्म दिया नीचे हेल्दी फीमेल काफ यानी मेल काफ भाई जी माफी चाहूंगा जो मेल काफ यानी के जो कटड़ी है वो इसमें आपको देखने को मिलेगी। जबरदस्त जो बॉडी वेट है उसमें अडर आप देख लीजिए और प्योर जेड ब्लैक टेल के साथ जो पशुधन है मिनी भैंस आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे सीधा लेकर के जाएं लंबा ये देखें। तो बात करें सर इसके मोल भाव की क्या कुछ कीमत। संदीप भाई कीमत रखी है भैंस की 17.5 किलो दूध बताया गया जो दिया है। अच्छा अब ये 18 दे 19 दे 20 दे। हाँ हाँ इस शरीर पे सबके 20 ही देते हैं भाई बिल्कुल बिल्कुल लेकिन दूध देगी 18 देगी 19 देगी 18 19 देगी 17.5 मान के लिए भाई तो 17.5 वाली ही कीमत करेंगे संदीप। ठीक है बताएं 1,12,000 रुपए की सेल करनी है 1,12,000 रुपए में जो मिनी भैंस है वो आपको यहाँ से मिल रही है जी। और पशुधन आप देख लीजिए काफी अच्छी जो बफलो है फोर्थ लैक्टेशन की नीचे एक वैन संदीप अलग अलग चमक रही है भैंस बिल्कुल हेल्दी जो मेल काफ यानी के जो कटड़ी है कटड़ा है वो आपको इसमें देखने को सबसे बड़ी बात आती है लेंथ की जी जी और पीठ की कहीं से कोई माइनस है नहीं जी पूंछ कटी हुई नहीं है भाई बाय बर्थ इतनी है इसकी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर तो 1,12,000 रुपए जो कीमत है जो कोस्ट है वो इसकी रखी गई है। अगला पशुधन जी बता दीजिए संदीप ये भी फर्स्ट टाइमर है भाई फर्स्ट टाइमर बहुत बढ़िया स्वभाव इसका भी देख लो भाई ठीक है कहीं से कोई छेड़ ले तो दांतों में ये कैसे है ये संदीप 6 दांत है दांतों में 6 है। हाँ ठीक है अगले थनों का दूध पूरा निकाल दिया था पीछे वालों में छोड़ दिया था ठीक है ठीक है। ये देखो जी भाई ये है इसके नीचे भी कटड़ा है भाई तो माथे में फूल माथे में फूल है भाई ठीक है खोल दे प्रदीप खोल ले प्रदीप एक बार भाई घुमा करके चला के दिखाएं दांतों में 6 फर्स्ट टाइमर जो झोटी है वो आप यहाँ पे देखिए और कल ही जो मेल काफ है उसको जन्म दिया अभी इसको खीस से खाली खाली प्रॉपर नहीं अगाड़ी खाली है ठीक है पिछाड़ी में छोड़ दिया था भाई जी जी तो ये आप देखो जी बफलो झोटी जो है दो दांत माफी चाहूंगा 6 दांत फर्स्ट टाइमर जो झोटी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सर क्या कुछ दूध की एक्सपेक्टेशंस हैं इससे संदीप भाई 6 दांत होके ब्याई है हाँ। कहने को इसको आप दूसरी बार भी कह लो ठीक है 14++ रहेगी 14+ दूध आराम हाँ। से दे देगी इजीली क्योंकि कुछ एरिया ऐसे हैं जिसमें से हम पशु लेते हैं जी आज तक पहले ब्याज की जोटी 10 से नीचे नहीं गई है भाई। अच्छा हाँ ठीक है तो बात करें मोल भाव की कीमत मोल भाव माथे में फूल है पता है भाई 6 दांतों के ब्याई है ठीक है कुछ बड़ा व्हाइट भी ज्यादा लगा जी, लो जी कीमत भी ऐसी ही करेंगे भाई हाँ। 1,05,000 के देंगे संदीप 1,05,000 रुपए जो कीमत है जो कोस्ट है वो थनों का गैप आप देख लीजिए काफी काफी बेहतरीन काफी शानदार तो 2 लाख वाला भी ना मिले भाई टिट स्पेसिंग है वो इसमें आपको देखने को मिलेगी और काफी अच्छा जो पशुधन है वो लेंथ ऊंचाई थन हर चीज में अव्वल आज के टाइम बहुत बढ़िया अगर यही इसका भरा हुआ ऑर्डर देखते तो आप इसको एक 20 के 25 के भी कह सकते थे जी जी पर बात नीचे की बहुत बढ़िया बात करें अगले पशुधन की सजन भाई क्या संदीप भाई ये भी फर्स्ट टाइमर है बहुत बढ़िया जी हाँ। ठीक है सॉरी भाई मिनी के नीचे कटड़ी थी आप सही कह रहे तो मैंने बोला था लेकिन आप मान नहीं रहे थे इस बात को फिर मेरे को लगा कि चलो जब ओनर ही क्लेम कर रहे हैं तो फिर हम क्या करें भाई इतने में आदमी वैसे ही कंफ्यूज हो गया संदीप। तो मिनी के नीचे फीमेल काफ है जी कटड़ी में आपको दिखा देता हूँ तरो ताजा जो सूंड है नाभि के नीचे कटड़ी के वो आप देख लीजिए काफी हेल्दी जो फीमेल काफ है जो कटड़ी है वो इसमें आपको देखने को मिलेगी। अब बात करें एक और पशुधन है सर बता दीजिए फर्स्ट टाइमर है बहुत बढ़िया बच्चा है आगे हाँ उसकी है कोई भाई ना कहे कि लगी हुई थी रुका हुआ था अपनी आके संतुष्टि करे ठीक है ठीक है तो दांतों में कैसे दांतों में ये 4 है संदीप जी फर्स्ट टाइमर झोटी दांतों में 4 बच्चा नीचे कटड़ा है भाई नीचे कटड़ा आपको इसमें देखने को मिलेगा और झोटी आप देख लीजिए काफी जबरदस्त जो
काफी बेहतरीन जो थन है वो इसमें देखने को मिलेंगे। हाइट आप देखें, शक्ल सूरत चेहरे मोरे की जो बनावट है वो आप देखिए, काफी काफी बेहतरीन, काफी शानदार। तो सर क्या कुछ दूध की उम्मीद कर रहे हो इससे? उम्मीद संदीप 15 देगी, मौके पे होगा 12 भी हो साढ़े 12 जी जी जी, काटेगा रखेंगे 11। कितने दिन की ब्याई होगी वैसे? आज 12वां दिन की ब्याई है, बारह लगी नहीं है। ठीक है, तो बात करें इसकी कीमत। 1,05,000 रुपए भाई, 1,05,000 रुपए में जो फर्स्ट टाइमर झोटी है वो 12 किलो कहीं तोल लो भाई। थन है, थनों का जो गैप है, टिट स्पेसिंग है वो आप देखिए पीछे से, चुवाई की और डेवलप्ड जो थन है वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो और बाकी कौन से पशुधन है अपने पास? बाकी अपने पास आ गए वो मीडियम वाले। ठीक है, तो अगर सारी मीडियम रेंज के तीन पशुधन और जो सस्ती भैंसे हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। शुरू कर लेते हैं सर उधर से ही, बता दीजिए क्या संदीप भाई पहले ब्याच में है जो? बहुत बढ़िया जी, और मेरे ख्याल से दो पूरे कर रही है ये। ठीक है, नीचे है इसके कटड़ा भाई, फर्स्ट टाइमर, और दो दांत जो झोटी है वो नीचे है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। संदीप भाई थनों का स्पेस चुआई की लाजवाब है, सराफत भी ऐसी है वो ही निकाल ले। जी जी, साइज मीडियम है ये देखो जी, मीडियम साइज में जबरदस्त हाइट लेंथ। और नीचे बात करें अर्डर की, थनों का जो गैप है अर्डर में वो आप देखिए, काफी काफी बेहतरीन, काफी शानदार मैं कहूँगा। झोटी आप देखिए, छोटे से छोटा जो सींग है वो इसमें देखने को मिलेगा। नीचे हेल्दी फीमेल काफ यानी कि जो कटड़ी है वो, और शराफत का जो अंदाजा है वो आप इस चीज से लगा सकते हैं। सजन सर इसके नीचे बैठे हुए तो देख लीजिए, काफी गैप इतना अच्छा है। संदीप झोटी गिरे से गिरी 11-12 किलो दूध देगी पोजीशन के हिसाब से, खाली होती काट रही है। जी जी, तो अर्डर क्वालिटी है वो आप यहाँ पे देखिए, काफी बेहतरीन अर्डर, डेवलप्ड जो थनों के कूप हैं वो निकल करके आए हैं, और नीचे कटड़ी है भाई। ठीक है जी, बात करें मोल भाव की क्या? संदीप भाई लेना देना 72,000 रुपए, 72,000 रुपए में दो दांत फर्स्ट टाइमर जो झोटी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगला पशुधन है सजन सर, इसने दो भी पूरे नहीं किए भाई। जी जी, कल की बच्चा दी हुई है, एक सिंह को नुकसान है यहाँ पे, नुकसान का बाई बर्थ है। अच्छा, बाई बर्थ नुकसान वो तब टूट जाए। ठीक है, ये कटड़ी है नीचे। तो हेल्दी फीमेल काफ, तरोताजा जो सूंड है फीमेल काफ के नीचे जो कटड़ी है उसमें आप देख सकते हैं। और किसी के चार थन होते हैं इसके, अच्छे हैं संदीप, शायद कैमरे में ना है, पहले बता दे। छह थन है, ठीक है, थन तो क्या निशान हो जाते, देखो एक ये रहा जो माइनस पॉइंट है वो झोटी में बता रहे हैं, छह थन है और देख सकते हैं आप स्पष्ट जानकारी, छठा थन आपको यहाँ पे क्लियरली बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और ये ना तो हाथ में आता भाई, जी जी जी, ना दूध आता भाई, ठीक है, किसी भी तरह की कोई ये नहीं है कि कोई एक माइनस है जी, पर दिखाना जरूरी है, कई बार फोन पे चली जाती है तो जेट ब्लैक टेल में भाई, ठीक है, और दो ही दांत कंप्लीट। चेहरे की बनावट झोटी की आप देखिए, काफी काफी बेहतरीन। मैं संदीप भाई ये बोल देते छोटा, अगर ये भी ऐसा होता झोटी की कीमत ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सजन सर, तो खोल करके एक बार घुमा के चला के दिखाएं। दांतों में कैसे है ये? दांतों में दो भी कंप्लीट नहीं दिखा दूंगा, दो दांत भी कंप्लीट नहीं है। झोटी आप देखिए, फर्स्ट टाइमर झोटी, काफी बेहतरीन क्वालिटी के साथ, काफी अच्छा जो पशुधन है भाइयों को इस फार्म से लगभग देखने को मिलता रहता है पशुधन, आप देख सकते हैं जी, शराफत से भरपूर ब्यूटी आप देखें। हालांकि एक सींग शुरू से बता रहे हैं टूटा हुआ है, बाकी नॉर्मल हाइट में हेल्दी फीमेल का जो माइनस पॉइंट है वो, और दांत हैं ये आप देखिए जी, ठीक है, तो दांत कर रखे हैं क्या? दो दांत है, दो दांत। बात करें सर मोल भाव की, क्या कुछ कीमत रखोगे? संदीप इसमें नुकस हो गया ना भाई, सिंह खराब है, ठीक है, छोटे छोटे दो थन भी लग गए, हाँ, उन तीनों के काट दो, ठीक है, इसको भी दे देंगे आज 72 के, 72,000 रुपए में इस फर्स्ट टाइमर झोटी, और 11-12 किलो दूध से एक भी झोटी कम भी नहीं रहेगी भाई, पर 10 ही कह के दे रहे हैं। ठीक है सर, आइए भाई एक बार, तो एक और पशुधन है इधर बता दीजिए। संदीप भाई हाइट तो मानो है ही नहीं जी, बिल्कुल छोटी, ना के बराबर, ना के बराबर, थोड़ा खाएगी पर ज्यादा देगी, ठीक है, खीस से खा लिए, देखो संदीप नीचे का बनूर भैंस का, ब्यात कौन सा है इसका? ब्यात ओरिजिनल, दूसरा पर दांतों में भरी हुई है, दांतों में भरी हुई है, हाँ ठीक है। अब तो मेन बात तो संदीप इस चीज की है, झोटी छोटी ऑर्डर बड़ा है, जी जी जी, और खाली के बाद का पोजीशन है ये, बिल्कुल। तो झोटी आप देखिए जी, दूसरा ब्यात है, कितने दिन की ब्याई होगी? संदीप परसों बच्चा दिया था, परसों बच्चा दिया, खाली होके 9-10 किलो दूध से उठी है, अच्छा, और 15 किलो दूध से 100 ग्राम भी नीचे नहीं रहेगा भाई। तो झोटी आप देखिए, 15 किलो दूध की खरी एक्सपेक्टेशन, सेकंड लैक्टेशन है, कितने दिन की ब्याई होगी? एक बार दिखाई देता हूं, तो जो काफ है, काफ भी आप सब पशुपालक भाइयों को दिखाएंगे, काफी शानदार जो काफ है वो इसमें देखने को मिला, तरोताजा सूंड काफ के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे, कटड़ा है, कटड़ी है, कटड़ा भाई जी, कटड़ा है,
ये देखो जी, तरोताजा सूंड बिल्कुल आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो काफी बेहतरीन क्वालिटी की जोटी। क्या करने वाले हो सर भाई? 90,000 रुपए जोटी की डिमांड करी। 90,000 रुपए मीडियम हाइट में, ना के बराबर हाइट मानिए, मीडियम भी नहीं। खर्चा थोड़ा है, पर दूध की ये है 15 से 100 ग्राम भी नहीं जाना। 15 किलो दूध खरी खरी दे दे, क्योंकि गांव का पशु है। ठीक है, पिछले का भी पता है, नेवी भी क्या इन चीजों की कोई वो नहीं होती। ये तो अगर डेयरी पे भी रहेगी तो संदीप 3 किलो दाना खाएगी सुबह 3 शाम को। जी जी जी। कुछ भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि पहले भी आपकी नहीं है, दूध कम मिलता है, सजन भाई कैसा यहाँ ऐसा है वैसा पता है। भाई जी क्या है, दूध और पूतक कर्म का, रही बात पहले ब्याज के, संदीप ओपनली बोलते हैं, इनमें सिर्फ अपना मुकद्दर चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है नहीं कि 20 बताओ और 5 दिया हो। जी जी, पहले ब्याज की चोटी ऐसी ऐसी भी निकली है, कपड़े पास ही खड़ी भी जाएगी, बात ही करवाऊंगा आपको। खाली होके देखी है जी, या 2 किलो भी दूध नहीं है, 1,35,000 की भाई ने ली है, खरीदी है क्या, उनको दिलवाई है भाई। अच्छा, तो ये मान के चलो जब उस आदमी ने 1,35,000 पे कॉस्ट लगाई है, 12 साल काम करते हो, बेवकूफ तो नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात कमेंट की, भगवान नहीं है दुनिया खुश नहीं कर सकते भाई। जी जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आप कितना ही अच्छा करके दे लो, अभी कहना नहीं चाहता किसी के बारे में भी, लास्ट 6 पशु दिए थे, एक को 2 दिए थे संदीप, 4 दिन की मेहनत में 2 पशु दिलाए हैं। जो एक ईमानदारी की मजदूरी होती है ना, वो भी नहीं मिली है। अच्छा, किसको कहेंगे, पर कहना छोड़ रखा है। जी जी, जिसको समझ में आएगी वो लेगा, जिसको अच्छी लगेगी वो लेगा। अब आज तक नहीं बोला था, पर आज कहते अपने खुट्टे के जिम्मेवार। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ देखो 4 बार देखो, जिम्मेवार पहले ब्याज में तो ऊपर वाला जानेगा, चोटी जानेगी ये क्या देगी। जी जी, हम खाली उम्मीद करते हैं और पीछे जो हमने डिटेल देता है वही देते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, काफी अच्छा पशुधन भाई ने वीडियो के माध्यम से दिखाया। तो 1 लाख से कम कीमत की 72,000 रुपए की झोटियां भी आपको मैंने यहाँ से दिखाई हैं, और 1 लाख से ऊपर वाली जो कीमत है, कॉस्ट है, उनकी झोटियां भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। आज की वीडियो थी जिला रोहतक के गांव मदीना से, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।